CO3 की बात करूँगा। ये क्या है, एक फार्मूला दे रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो डिपेंड करती है वो आयन पर डिपेंड करती है। देखिए आयन क्या होता है, प्लस और माइनस में होता है, प्लस और माइनस में होता है। देन इस कंपाउंड में क्या है, ये एक आयन है और एक ये आयन है Cu एंड CO3। इसे बोलते हैं कॉपर, इसे बोलते हैं कार्बोनेट। इनकी वैल्यू होती है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 होता है। फॉर्मूला बनाते समय प्लस माइनस का यूज नहीं करते हैं, प्लस माइनस का यूज़ तब करेंगे जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कहीं बताऊंगा मैं आपको, केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगा मैं। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों की वैल्यू सेम है तो कुछ भी एक दूसरे को एक्सेल नहीं करेंगे, दोनों चीज़ें हट जाएंगी, क्या आएगा Cu CO3। तो इस तरीके से क्या होता है, आयन का यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम होता है कार्बोनेट एंड इसे कहते हैं कॉपर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, कॉपर कार्बोनेट बन गया। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप नेमिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आयन। अगर आपको आयन नहीं पता है तो ज़रूर सीखिए इसको, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं आयन होते हैं, इनके नाम जरूर याद करेंगे, तभी आपको क्या होगा, केमिस्ट्री जो है जो फॉर्मूले हैं वो आने लगेंगे। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।